हेलो रिवान होप यू एल आर डूइंग वेरी गुड सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस थोंडाइक्स थ्योरी ऑफ लर्निंग एंड दिस थ्योरी इज ऑल्सो नोन एज ट्राइल एंड एरर थ्योरी एंड इट इज़ गिवन बाई एडवर्ड एल थोंडाइक थ्योरी ऑफ कनेक्शनिज्म भी बोलते हैं इसे ठीक है एंड ये थ्योरी किसने दी थी एडवर्ड एल थोंडाइक ने सो लेट्स स्टार्ट विद द थ्यूरी ऑल तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर देखते हैं कि थोंडाइक ने जो ट्रायल एंड एरर की थ्योरी दी है थोंडाइक ने क्या किया सबसे पहले एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया एक हंगरी कैट के ऊपर ठीक है तो एक हंगरी कैट को उन्होंने एक पजल बॉक्स में डाल दिया ठीक है यहां से सिर्फ एक ही डोर था बाहर आने का एंड डोर के बाहर उन्होंने क्या रख दिया? एक fish रख दिया दिया एक फिश दैट रीज़न फॉर द कैट टू कम आउट एक तो कैट हंगरी थी और उसको बाहर आने के लिए क्या रीजन देना था तो उन्होंने क्या किया एक फिश को बाहर रख दिया बॉक्स के बाहर अब हंगरी कैट क्या करती है द कैट ट्राई टू स्क्वीज़ थ्रू एवरी ओपनिंग तो जो पजल बॉक्स के डिफरेंट बार्स थे तो कैट ने क्या किया वहां पर बहुत कोशिश की बहुत हाथ पैर मारे काफ़ी ट्रायल्स किए क्या क्या किया उसने इट्स स्क्वीज थ्रू एवरी ओपनिंग कैट क्या कर रही थी फिश को उठाना चाह रही थी हर ओपनिंग में और इट क्लोज एंड बाइट द बार्स इवन की वो जो बार्स थी उनको बाइट कर रही थी और हर चीज ट्राई कर रही थी बाहर आने के लिए ठीक है इन दो ट्रायल और वो जो ट्रायल कर रही थी तो एक्सीडेंटली क्या हुआ एक ट्रायल से वो डोर क्या हो गया ओपन हो गया और कैट बाहर आ गई और उसने फिश को खा लिया जो ट्रायल था ये जो एक्सपेरिमेंट था इसको दोबारा किया गया फॉर सेवरल टाइम्स ठीक है इट वॉज डन फॉर सेवरल टाइम बट इन द नेक्स्ट ट्रायल्स अगले ट्रायल्स में जो कैट ने कंपेरेटिवली कम टाइम लिया जो कि उसने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में लिया था और लास्ट में लास्ट एक्सपेरिमेंट यानी कि बहुत सारे ट्रायल्स जैसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए उस एक्सपेरिमेंट्स को उस एक्सपेरिमेंट को बहुत बार क्या किया गया रिपीट किया गया और हर ट्रायल में क्या हो रहा था कि जो कैट थी वो कम टाइम ले रही थी बाहर आने के लिए तो लास्ट एक्सपेरिमेंट में क्या होता है जो कैट होती है उसको डोर ओपन करना आ जाता है और अब वो क्या कर लेती है इजिली डोर को ओपन कर लेती है ये एक्सपेरिमेंट थोनडेक ने परफॉर्म किया था कैट के ऊपर के बेसिस पे उन्होंने लर्निंग की प्रोसेस को एक्सप्लेन किया नाउ इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे उन्होंने बताया कि जो लर्निंग है उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं नंबर वन इज ड्राइव ड्राइव क्या होती है द डिजायर फॉर लर्निंग लर्नर की कितनी डिजायर है किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए किसी भी चीज को लर्न करने के लिए अगर हम इस एक्सपेरिमेंट की बात करें तो यहाँ पर जो कैट थी वो हंगरी थी फिश थी वो कैट को क्रेजी कर रही थी और उसको डिफरेंट ट्रायल्स करने पे मजबूर कर रही थी कि वो ट्राई करे और बाहर आए और फिश को खा ले तो सबसे बड़ी बात है यहाँ पर ड्राइव ड्राइव मतलब कि लर्नर की डिजायर कितनी है किसी भी चीज को सीखने नेक्स्ट है गोल कि लर्नर का गोल क्या है लर्नर का गोल मतलब टू लर्न स्पेसिफिक स्किल्स ठीक है लर्नर का जो गोल लर्नर जो लर्निंग कर रहा है वो गोल ओरिएंटेड होनी चाहिए यानी कि उसका एक स्पेसिफिक गोल होना चाहिए तो कैट अब इस एक्सपेरिमेंट की अगर हम बात करते हैं तो जो कैट इतने ट्रायल्स कर रही थी ठीक है जो लर्नर है वो बहुत सारे ट्रायल्स करता है किसी भी चीज को सीखने के लिए कंक्लूजन पे आने के लिए या प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए तो अगर हम इस एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं यहां पर जो कैट है उसका गोल क्या था टू कैच द फिश टू ईट द फिश फिश को खाना बॉक्स से बाहर जाना और फिश को खाना उसकी वजह से जो कैट है उसने काफ़ी ट्रायल्स किए बहुत हाथ पैर मारे तो बहुत सारे इनएकूरेट रिस्पॉन्सेज दी लास्ट में उसको एक एक्यूरेट रिस्पॉन्स मिला और वो बाहर आ गई तो लर्निंग में भी इस तरह से होता है कि जब हम कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं तो हम बहुत सारे ट्रायल्स करते हैं हम बहुत सारे इक्यूरेट रिस्पॉन्सेज देते हैं और लास्ट में हमारे पास एक एक्यूरेट रिस्पॉन्स हमें मिलता है जिससे हमें पता चलता है कि येस इस मैथड के थ्रू ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है नेक्स्ट इज ब्लॉक ब्लॉक मतलब ऑब्स्टेकल्स इन द वे ऑफ लर्निंग ठीक है या फिर लैक ऑफ नॉलेज इनिशियली ठीक है अब ऑब्स्टेकल क्या है हम किसी भी चीज़ को सीख रहे हैं तो सबसे पहले अगर हमें उसकी नॉलेज नहीं है तो सबसे बड़ी ब्लॉकेज तो यही होती है कि हमें उसकी नॉलेज ही नहीं है तो हम उसको कैसे सॉल्व कर पाएंगे एग्जाम्पल तो हम देखते हैं कि एक चाइल्ड है वो गिटार सीखने जा रहा है तो उसके पास उसका ब्लॉक क्या होगा वहाँ पर सबसे पहले इनिशियली तो उसको जीरो नॉलेज होगी गिटार सीखने की तो वो उसकी सबसे बड़ी ब्लॉकेज होगी सेकेंडली अब उसके पास अप्रोप्रिएट मटेरियल नहीं होगा वो उसकी सेकेंड ब्लॉकेज होगी या फिर वो लर्निंग का प्रोसेस काफ़ी डिफिकल्ट होता है जो उसके मेंटल स्टेट के साथ मैच नहीं हो पाता जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई फर्स्ट क्लास का बच्चा है तो उसको हम फिफ्थ क्लास का मैथेमेटिक्स नहीं पढ़ा सकते ठीक है ये सबसे बड़ी रुकावट होती है उसकी लर्निंग प्रोसेस में क्योंकि उसका जो मेंटल स्टेट है वो उस फिफ्थ क्लास की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कैपेबल नहीं है ठीक है और अगर हम इस एक्सपेरिमेंट की बात करें तो ब्लॉक क्या था वो बॉक जिसमें से कैट को बाहर आना था और फिश को खाना था और उस ब्लॉक से बाहर निकलने के लिए कैट ने क्या किए थे डिफरेंट ट्रायल्स किए थे तो इसी तरह से जो बच्चा है किसी भी चीज़ को सीखने के लिए बहुत सारे क्या करता है ट्रायल्स करता है जो भी उसको स्टिमुलस मिल रहे होते हैं उनको रिस्पॉन्ड करता है और लर्निंग करता है नेक्स्ट होते हैं हमारे रेंडम मूवमेंट अपने टास्क को परफॉर्म करने के लिए प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम बहुत सारे रेंडम रिस्पॉन्सेज देते हैं हमने एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना है हमने क्लास में बच्चों को मैथमेटिक्स का एक प्रॉब्लम दिया और हमने उनको खुद से सॉल्व करने के लिए बोला बच्चे क्या करेंगे उस प्रॉब्लम को डिफरेंट मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे ठीक है तो वो क्या होते हैं उनके रैंडम मूवमेंट्स होते हैं कि वो डिफरेंट ट्रायल्स को परफॉर्म कर रहे हैं विद मिनिमम नॉलेज अगर उनको प्रॉपर नॉलेज होगी तो वो एक ही बार में उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे विद मिनिमम नॉलेज है कि यानी कि जब बच्चा लर्निंग सीखता है रैंडम मूवमेंट्स करता है यानी कि बहुत सारे रैंडम ट्रायल करता है एक एक्यूरेट रिस्पॉन्स तक पहुँचता है नेक्स्ट एलिमेंट इससे हमें मिलास सक्सेस ठीक है तो चांस सक्सेस क्या होता है कि बहुत सारे ट्रायल्स किए बच्चे ने लर्निंग प्रोसेस में किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में और एंड गॉट सक्सेस इन वन ऑफ हिस ट्रायल बाय चांस ठीक है अब बच्चे को हमने एक पज़ल बॉक्स दिया है कि इस पज़ल को सॉल्व करना है तो बच्चा काफ़ी ट्राई करता है उस पज़ल को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे रैंडम मूवमेंट्स करता है और उसको फिर सक्सेस मिल जाती है किसी भी एक ट्रायल में बाय चांस तब उसे पता चलता है कि दैट इज़ द एग्जैक्ट रिस्पॉन्स विच वॉज सपोज टू बी गिवन क्योंकि वो पहले तो बहुत सारे ट्रायल कर चुका होता है और बाद में अचानक से उसे क्या मिलता है एक एक्यूरेट रिस्पॉन्स मिलता है सो so वो होता है चांस सक्सेस कैट ने क्या किया हर एक ओपनिंग पे हर एक ओपनिंग से बाहर निकलने की कोशिश की नहीं निकल पाई उसने क्या किया कि जो बार थी इवन उसको बाइट किया बट उससे भी उसको कोई फायदा नहीं हुआ अचानक से क्या हुआ कि उसने एक ऐसा ट्राइल ट्रायल किया जिससे डोर क्या हो गया ओपन हो गया ठीक है क्योंकि डोर ओपनिंग वॉज वेरी ईजी बट कैट को तो पता ही नहीं था कैट क्योंकि थिंक नहीं कर रही थी कैट को क्या कैट के अंदर एक ड्राइव थी किसी चीज को सीखने की या किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की तो वो डिफरेंट ट्रायल्स कर रही थी ठीक है तो कैट ने अचानक से जैसे ही डोर खुला तो जो वो सारे इनएक्यूरेट रिस्पॉन्सेज थे वो एलिमिनेट हो गए और एक एक्यूरेट रिस्पॉन्स क्या उसके माइंड में आ गया कि दैट दिस इज द एक्यूरेट रिस्पॉन्स दिस इज द एक्यूरेट मैथड टू सॉल्व द प्रॉब्लम टू एन इज सेलेक्शन ऑफ प्रॉपर मोमेंट ठीक है अब बहुत सारे ट्रायल हम कर रहे हैं जैसे बच्चा है किसी किसी भी पजल को सॉल्व कर रहा है बहुत तो सारे ट्रायल्स करता है ठीक है जो कि इनएकुरेट होते हैं जिससे उसे सक्सेस नहीं मिल रही होती है बट वो स्टिल ट्राई करता है क्योंकि वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है ठीक है वो कुछ लर्न कर रहा है तो जब उसे चांस सक्सेस मिल जाता है जब उसे एक एक्यूरेट रिस्पॉन्स मिल जाता है तब वो उस एक्यूरेट रिस्पॉन्स को सेलेक्ट कर लेता है कि यही एक तरीका है मेरी प्रॉब्लम सॉल्विंग का ठीक है नाउ फिक्सेशन फिक्सेशन में क्या है कि जो उसने सेलेक्ट किया प्रॉपर मोमेंट अब वो उसको अपने माइंड में क्या कर लेगा फिक्स कर लेगा और सारे इनएक्यूरेट ट्रायल्स को क्या कर देगा एलिमिनेट कर देगा यानी कि अगर एक बार उसने कोई चीज़ सीख ली अगर उसने पजल सॉल्व करना सीख लिया एक बार इनएक्यूरेट ट्रायल्स कर रहा था उनको वो एलिमिनेट कर देगा और अपने माइंड में जो करेक्ट मैथड है उसको फिक्स कर लेगा सो so ये थे एलिमेंट्स ऑफ लर्निंग जो कि थोडाइक ने हमें बताए दैट इज़ बेस्ड ऑन हिज एक्सपेरिमेंट ऑन द कैट जो कि हमारी लर्निंग में असेंशियल होते हैं नेक्स्ट इसी एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे थॉन्डोक ने हमें कुछ प्रिंसिपल्स दिए वो प्रिंसिपल्स क्या थे फर्स्ट प्रिंसिपल था कि लर्निंग इन्वॉल्व्स ट्रायल एंड एरर सिलेक्शन एंड कनेक्शन कि लर्निंग जो है किसी भी प्रॉब्लम को किसी भी टास्क को जब हम परफॉर्म करते हैं जब हम कोई भी लर्निंग प्रोसेस करते हैं तो उसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है डिफरेंट ट्रायल्स अन एरर्स हम बहुत सारे ट्रायल करते हैं हम बहुत चीज़ों को ट्राई करते हैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए और उसमें काफ़ी एरर्स भी आते हैं ऐसा नहीं है कि फर्स्ट टाइम में हमने कुछ ट्राई किया और वो बिल्कुल सक्सेसफुल हमें मिलेगा ऐसा नहीं होता और क्या होता है सलेक्शन एंड कनेक्शन मतलब हम क्या करते हैं बहुत सारे जो रिस्पॉन्सेज होते हैं उनको कनेक्ट करते हैं और जो सक्सेसफुल हमारा रिस्पॉन्स होता है उसी को हम सेलेक्ट करते हैं फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग नेक्स्ट है लर्निंग इज द रिजल्ट ऑफ कनेक्शन ऑफ रिस्पॉन्सेज ठीक है अब यहाँ पर हम कैट का ही एग्जाम्पल लेते हैं कैट ने डिफरेंट ट्रायल्स किए बहुत हाथ पैर मारे बॉक्स से बाहर आने के लिए उसने ट्रायल ऐसा दिया बाय चांस कि जो डोर जिससे ओपन हो गया और कैट बाहर आ गई ठीक है अब नेक्स्ट टाइम जब उसी एक्सपेरिमेंट को दोबारा किया गया अब कैट को नहीं पता कैट ने थिंक तो नहीं किया वो रैंडम मूवमेंट्स थे उसके एक जो उसका मूवमेंट था वो सक्सेसफुल हो गया और कैट बाहर आ गई ठीक है तो कैट ने बहुत सारे रैंडम मूवमेंट्स दिए थे तो कैट को कैट ने नेक्स्ट टाइम में क्या किया जो उसने लास्ट टाइम मोमेंट्स किए थे उनका कनेक्शन बनाया उनको आपस में कनेक्ट किया और इस जो सक्सीडिंग एक्सपेरिमेंट्स हुए तो उसमें हर बार कैट ने क्या किया इसका क्या कर रही थी कनेक्शन बना रही थी और उसके थ्रू वो प्रॉब्लम सॉल्व करती जा रही थी हर बार नेक्स्ट है लर्निंग इज इंक्रीमेंटल ठीक है अब जैसे कि लर्निंग में बहुत सारे ट्रायल्स होते हैं और हमसे बहुत सारे एरर्स भी होते हैं हम फर्स्ट टाइम में कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते और मे भी हो भी सकते हैं तो जो जिस तरह से हम ट्राई करते हैं किसी भी चीज़ को सॉल्व करने के लिए किसी भी प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं तो उसमें हम काफ़ी ट्रायल करते हैं जिससे हमारी जो एफिशियंसी है वो बढ़ जा सो दैट्स वाई वी से दैट लर्निंग इज़ इंक्रीमेंटल क्योंकि इससे जो है डिफरेंट ट्रायल करने से तो हमारी जो एफिशियंसी है वो बढ़ जाती है और हम इफ़ेक्टिवली किसी भी चीज़ को सीख सकते हैं एंड नेक्स्ट प्रिंसिपल उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे ये मिला कि लर्निंग इज डायरेक्ट नॉट रिलेटेड टू थिंकिंग लर्निंग जो है डायरेक्ट होती है विद ट्रायल्स एंड एरर्स हमें डिफरेंट ट्रायल्स करने पड़ते हैं और हमसे बहुत सारे एरर्स भी होते हैं बट इट इज़ नॉट रिलेटेड टू थिंकिंग क्योंकि अब कैट के केस में अगर हम इस एक्सपेरिमेंट में देखें तो कैट अगर, कैट ने कुछ सोचा नहीं उसके अंदर एक ड्राइव थी लर्नर जो है वो कुछ सोचता नहीं है उसके अंदर एक ड्राइव होती है प्रॉब्लम को सॉल्व करने की ठीक है तो जिसकी वजह से वो बहुत सारे ट्रायल्स करता है और वो डायरेक्ट होते हैं एंड दिस इज इट फॉर थॉन्डाइक थ्योरी ऑफ लर्निंग एंड आई होप दिस वीडियो विल भी हेल्पफुल फॉर यू एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द लॉज ऑफ लर्निंग विच इज गिवन बाय थॉन्डॉक एंड इफ दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग स्टे ट फॉर द मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज इन द फ्यूचर थैंक यू सो मच